किसान भाइयों, आज ये मुंडवा के अंदर टिवाणा कंपनी का किसानों के लिए पशु आहार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। आपने डेयरी है, पशुपालन है, पशुपालन में कहीं आगे कि तीन चीज़ों के ऊपर पशुपालन आपने डेयरी है जी डिफरेंट रिया करे निर्भर रहे निर्भर रहे कि तीन चीज़ें कहीं चीज़ है। पहली चीज़ है कि जानवर की ब्रीड, सबसे बड़ी पहला पॉइंट रहा कि जानवर आपको जो भी आप पशु रखा वो नस्ल को अच्छा होना चाहिए भाई। पशु अगर नस्ल को अच्छा है तो भी फिर कहीं भी आप चमचियाँ कर सकते अपना आगे को मैनेजमेंट पहली बात आएगी ब्रीड, सेकंड आएगा मैनेजमेंट और तीसरी पार्ट आएगी अगर आपने न्यूट्रिशन जितना आप खिलाक आए पे आ जाए भाई। मान लो भैंस के लाख रुपये की लीजिएगा मैनेजमेंट अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं खुराक प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ तो आपकी लाख रुपये की भैंस भी अपने प्रॉपर प्रोडक्शन खोल देगा। अब जबकि टिवाणा कंपनी की मैं बात करूँ, टिवाणा कंपनी है कि किसान के लिए आई चीज़ है कि भाई एक प्रॉपर खुराक मिलनी चाहिए पशु और बाकी बैलेंस खुराक और स्टीम रोस्टेड बाकी फीड आवे की कच्ची बने बाप से पकड़ी आवे पका पका पीछे वो रीजन रहे कि एक किलो फीड आप जानवर में डाल सो पशु आप डाल सो तो बाकी फीड भी के शरीर के अंदर 750 ग्राम से 750 ग्राम भी के शरीर में लाग सके और रॉ मटेरियल जो भी आप दे जो मान लो घर को अनाज है खड़ वगैरह दे चूड़ी वगैरह दे चापड़ वगैरह आप लाओ तो भी को मात्र टीडीएन रहे 400 ग्राम। अगर आप एक किलो अपने जानवर में डाल सो ना तो अभी के बॉडी में लाग से 400 ग्राम तो वो फीड रहे वो रहे मतलब फर्क दोनों के अंदर बैलेंस अपने स्टीम रोस्टेड में और बिना स्टीम रोस्टेड में ठीक है। अब इसके अलावा टिवाणा जी की कंपनी है दूध वाला प्रोडक्ट पर तो काम करे ही करे बाकी दूध से अलग हटके भी कंपनी में की काम करे वह प्रोडक्ट है मगर जो परवरिश का प्रोडक्ट मैं बोला मान कि जानवर की आप परवरिश किया करा। अब आप लोग कहीं करो किसान भाई कहीं करे कि जो दूध देवे जितना तो जानवर ने आप एक प्रॉपर जो खुराक देवा अब वो जी भी वो ड्राई ब्रीड है तो भी आप खुराक कमाएंगे कंजूसी कर पा लगे यार बंदे बंदे कर सी लेकिन जो कि मेजर रिक्वायरमेंट है ना वह रिक्वायरमेंट भी टाइम ही रिया करे अभी कि ड्राई ब्रीड में अगर आप भी ड्राई ब्रीड के अंदर अभी की अच्छी तरीका से सेवा कर दो तो वो जानवर 9 या 10 महीने आपने दूध देवे जितना भी कोई समस्या ही नहीं तो भी रिलेटेड मैं आपने बातचीत बताऊँ जबकि मैं टिवाणा कंपनी है आ कंपनी एक तो बैलेंस डाइट बनावे अब बैलेंस वो आप समझ गया होगा कि जो जानवर ने रिक्वायरमेंट हुआ फैट प्रोटीन एनर्जी फाइबर चार चीज़ की अब जबकि चार चीज़ की रिक्वायरमेंट है बिन कंपनी करे बैलेंस भाई कति कितनी मात्रा में बिन मिलनी चाहिए ठीक है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी विश्व स्तरीय माँ की गुणवत्ता है और अफोर्डेबल प्राइस गुणवत्ता के अकॉर्डिंगली माँ की रिजनेबल जबकि किसान भाई में आप भी बोलना कि भाई क्वालिटी के आधार पर रुपया ले रहे तो एक नॉमिनल रुपया ले रहे अपने ठीक है। अब टिवाणा कंपनी में वैसे जानवर किसको दिखाया आप आपने लोकल भाषा बोला तो फूल वही बोलता हुआ था ठीक है। सेकेंड बात है बच्चों ब्याते टाइम बच्चों फंस जाओ भाई आपने जानवर की एक बार बच्चों फंस जाओ आप डॉक्टर ने बुलावा तो डॉक्टर निकाल आई आप दो चार लोग भी खींचा एक साथ पकड़ पकड़ा बच्चों फंस जाऊँ बी के बाद के माने ऊर्जा का स्तर कम होना जानवर की शरीर के अंदर ऊर्जा कम होनी अल्पविकसित थन आप कोई भी गाय भैंस पशुपालक खरीदे है तो बी के अंदर वो पहले देखे कि जानवर को अडर किया कहीं है भाई अडर का आधार पर बिन आका के जानवर को अडर बढ़िया तो दूध भी अच्छा देते ठीक है। चौथी चीज़ है पांचवी चीज़ है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर अगर आपने कैल्शियम की कमी से बुखार हुआ अगर जानवर ने आपको भी नोटिस करी होगा आपको जानवर बहने के बाद वो बैठ जाओ खड़े को नहीं हो पावे तो बात कमी रहे कैल्शियम की कमी से डॉक्टर आसी कांच की बटल आओ या कैल्शियम की बात चढ़ा सी जानवर घंटा घंटा में आपको खड़े हुए तो ऐसे सब सारी समस्याएं कल उसी आपने ऐसी समस्या जो उसी का आप बहन से 60 दिन पहले देखिए बेदार नहीं करा क्योंकि परवरिश आप नहीं कर सकता ठीक है। थनेला आप बोले अगर आपने बताओ उगो एक बार देखा अगर उगो हो जाए तो एक बार तो जानवर को थन भी चले जाए तो ऐसी समस्या क्यों है कि ऐसी समस्या आप भी पशु की अगर आप पहली परवरिश नहीं करी जिस आपने समस्या नहीं बना है और लास्ट के अंदर और मेन पॉइंट है कि जानवर की जबकि बच्चादानी है वह विलंब यानी लेट हुई आपके लेवल में आनी आ कहीं भी आग्रह है कि बच्चादानी अगर आपकी जानवर की लेवल में नहीं आई टाइम से तो आपको जानवर टाइम पर मीट में घुल जाएगा। दूसरी बात आपको जानवर टाइम पर दूध पर भी घुल जाएगा तो ऐसे सब सारी चीज़ें हैं यान की समस्याएँ आपने पशुपालक भयन किसान भयन आप लोगों ने देख पान मिले आपको सही परिणाम एक ही रहेगा डेयरी मालिक परेशान क्योंकि परेशान तो है ही है परेशान तो रणु ही रणु है अगले यहाँ पर आपका समस्या है तो आप अपनी स्कूल अगर देर तक जानवर का खर्चे तो कम से कम डॉक्टर 3-4 हज़ार रुपये ले जाओ और पर दवाइयाँ भी चाहिए छोड़े वापिस जानवर जानवर हिट में आएगा तो जानवर 3 चरणों के अंदर आपको फीड तैयार करेंगे फिर के अंदर पहले चरण में ड्राई घुमाएंगे वो प्रोडक्ट है जानवर बैठे से 60 दिन पहले खिलाफ जब आप दिन दूध में छोड़ते टाइम वो प्रोडक्ट टाइम करती है एक तो जानवर की जो शरीर है दूध जो शरीर कटो फिर वापस रिकवर कर दी सी क्योंकि मेन काम होंगे पहले आपको शरीर को रिकवर करा ठीक है। रिकवर कर दी सी एक बार करना आपके एकदम एचएफएस का जानवर होने एक बार एचएफएस भी कहें जल्दी जल्दी भेजा ड्राई बनी
तो ड्राई में भी वो सपोर्ट करें, ड्राई में भी वो सपोर्ट करें, ठीक है। ये प्रोडक्ट ने आपने जानवर ने बहने से 60 दिन आपने चालू करना है, 40 दिन तक आपने खिला लो, 40 दिन तक खिला लो, जानवर को शरीर भी वापस पूरा रिकवर कर देते। और अगर आप नोटिस करी थका बॉडी वेट वाला, मान लो ताकि गाय या भैंस को 5 या 6 क्विंटल बॉडी वेट है, ठीक है, बॉडी वेट को 5 से 6% का बच्चा को वजन उसी जन्म देता है, इस चीज़ में कराए नाप दी थी। तो वो जो वजन है ना एवरेज 30-35 किलो का लगभग बच गया था बच्चा बच्ची पानी पड़ा होगी, तो वो वजन 70% लास्ट का 2 मिनट हुआ। अभी टाइम आप कहीं प्रॉपर खुराक नहीं खिलाओ, तो अगर मैं खुराक नहीं खिलाऊँ तो मैं लारा में बताने का समस्या है, वो प्रोडक्ट को मैंने सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ मैं कहीं चीजें मान लो कि जानवर आपको डिलीवर हो बच्चा की ग्रोथ, देखो हड्डियाँ बन गई, बच्चों बन जाओ तो हड्डियाँ वगैरह, तो हड्डियाँ के लिए कैल्शियम की नीड है, कैल्शियम भी तो माँ बाप का पेट भी बन गया ना, तो मैं सब सारी रिक्वायरमेंट है उसको माँ को डिलीवर, तो दूध के लिए प्रोडक्ट आउट ही ड्राई वो कहीं काम करें, तो जानवर को एक तो अडर बढ़ावा को काम करें, और अलग कोई मेडिकल दवाई लेकर देवा की जरूरत है, अडर को प्रोडक्ट ही बढ़ा देती, मतलब कि अंदर क्या उनका कंटेंट डाले हुआ है कि जो भी जानवर का कंटेंट की जरूरत मैं सारी दवाई के अंदर डाली दिया हूँ, साथ साथ मैंने वो बांट है, मतलब वो कहीं कर सी एक कहीं है कि जानवर जी जो गाड़ा है नेड़ा होना डिलीवरी का नेड़ा हो तो जानवर की खुराक कम हो जाए, वह खुराक कम क्यों है क्योंकि बच्चा देने के फूल जाए वूमन अभी किसी को सूख है भी वजह जानवर लास्ट का दिन हम कम खाए पिया करें, तो भी टाइम वो प्रोडक्ट मतलब ड्राई T20 ड्राई है, जो मान लो अगर कम भी खाओ ना पशु तो भी पूरा भी का काम कर जाओ, मान लो कम क्वांटिटी में दिन को 4 के लिए खाइए ना तो भी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। बी के साथ साथ मैंने कहा तो जानवर डिलीवरी टाइम जब ऊर्जा को लॉस हुए, एनर्जी ज़्यादा लॉस हुए, तो बाबी की पर्याप्त मात्रा में पहली बना देती, क्योंकि अगर कुदरती हो तो लॉस होना तो जानवर जैसे टाइम लॉस होंगे तो भी पहली बना देती लास्ट। और दूसरी कहीं बात है जानवर की अडर ना वो विकास बढ़िया करती होगा, बढ़िया उद्योग बनाएंगे जानवर की। बी के साथ साथ मैं जानवर की जहर अटकना आरोपी अगर रिटेंशन होकर चलता है जहर अटकान मिल जाएगा, तो दिन भी आपकी मदद करती है जानवर की जहर को अटकवा दें। बी के साथ साथ कैल्शियम की कमी जानवर का बुखार है दिन भी वो काम करते हैं, पीटोसिस है दूध के अंदर ठीक वगैरह आना वो भी हो जानी, पर सब सारी समझ आएगी वो प्रोडक्ट अगर कोई सारी दवाइयाँ के अंदर ठंडे के अंदर फेड़ देगा, वो प्रोडक्ट आपने जानवर ने 25 दिन के लिए चालू करवा दिया, वो प्रोडक्ट खत्म होने टाइम को चालू करवा और 20 दिन के अंदर अंदर वो मेरे आपने खिलाना रहा एक जगह दोनों प्रोडक्ट है, एक जगह अंदर आपने जानवर एक बार आपको खिलाना, अब आपको जानवर तैयार हो अभी की डिलीवरी होगी, डिलीवरी हमारे जो मैंने 300 प्रोडक्ट आओ आपको T20 फ्रेशर जो भी अंदर पढ़ाएंगे आप, और T20 फ्रेशर जो कहते हैं कि जानवर ने एक को फ्रेश कर देती, फ्रेश मतलब इसका मन माकर मेला वगैरह छाट देती साफ होती, जानवर का कभी नोटिस करते जी जी का मेला साफ की भी जानवर की भी भाई आपको जानवर जाए कोई एकदम कभी बंद होने का महीनों पर ले लो दूध बराबर, वो प्रोडक्ट कहीं करती कभी जल्दी दूध को लिया यानी चालू कर दिए 15-20 दिन के अंदर दिए, शुरुआत तो मैंने कहा कि जानवर कम खाया गया, कम खाने के पीछे एक दिन भाई बच्चा नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा देने को देवर वापस दूध बड़ी दिन आपका जानवर की खुराक बचती, अब अपन लोग कहेंगे दूध पर प्रति दवा चक्कर में दूध खुराक दवा चेपा लाते हैं, हालांकि अपन खुराक इतना दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चलती रही क्यों कहीं है कि जानवर का आप ज्यादा करेंगे तो भी वो डाइजेस्ट करेंगे और वो गोबर कर लाते हैं, तो अपन लोग कहेंगे कि मैं गुड़ भाई हो तो गुड़ वो गोबर करवा लाको गर्मी करेंगे वो गुड़ काम करेंगे बटे काम करें बच्चे, क्योंकि अभी जानवर की कैपेसिटी कमी टाइम अपने डाइजेस्ट करना चाहिए, तो फिर अपन धीरे धीरे खुराक करनी चाहिए। वो T20 फ्रेशर कहेंगे कि एक तो जानवर को जिया जाता है अपने एक तो शरीर गुड़ करने जाए फिर वापस रिकवर करते हैं, ठीक है। फिर साथ साथ मैं कहेंगे जानवर थका जानवर की गति कैपेसिटी है मान लो ताकि भैंस दोनों टाइम 16 लीटर दूध दे पड़ी है तो इन 16 लीटर पर लिया सर 16 लीटर लिया से और जो दूध बढ़ी होना फिर लंबो फेट चला सी जानवर आपको कहकर रहे हैं 4 या 5 मिनट तो दूध देगा पूरा गति भी की क्षमता की, तो जी वो जानवर प्रेगनेंट या बढ़ोगे तो जानवर दूध तोड़वा ला गया तो वो कहकर अभी दूध लंबा टाइम तक चला सी वो प्रोडक्ट, और जानवर की जितनी कैपेसिटी है कैपेसिटी को लिया जानवर की बच्चा देने टाइम पर ले मार सी, तो ऐसा सारा जगह है ना ये फायदा है कि फेस करके अलग हो अपने घर को भी जा सकती है कि ना भूजे बाकी ना अजमान के बाकी ना कोई बाजार को गली वगैरह आगे वगैरह आपने कुछ भी खिलावा जरूरत नहीं सारा ही के अंदर ही, और दूसरी बात पिछले मोस्टेड है बाकी पकड़ो तो शरीर में ला ही जाना है, ठीक है। वो प्रोडक्ट तो आप 30 रुपये दिन चालू करो और 30 दिन तक खिला सकते हो, डोज रहे 4 और 8 किलो दिन पूरा दिन के अंदर आप 3 टाइम डाल देते हैं जानवर 1 दिन तो खाओगे क्योंकि धीरे धीरे की मात्रा बढ़ो और 8 किलो तक आप अलग से करते ऐसा करना की जरूरत पड़े, अब मान लो जी आपको जानवर महीना भर को हो तो भी बात मान लीजिए मतलब 8 हज़ार है आप लोगों के सामने रखे हुए वो प्रोडक्ट है दोनों टाइम जानवर आपको 20 तक दूध होना 20 बाइस बी के लिए एक सफिशेंट खुराक था एक अंदर अलग हो आपने कुछ साथ में देखा की जरूरत पड़े और जो 8 हज़ार के अंदर 5.5% का फेट क्योंकि आप करके लाओ ना जी वगैरह आवे तो 5.5% के अंदर फेट आओ और 20% आओ प्रोटीन यानी मूंगफली चना पूरी सोयाबीन पूरी खिलाओ बाकी अंदर डाले हुआ 20% आओ तो 8.5% आओ फाइबर जो कुकर वगैरह खिलाओ भी मिल जाएगा ये सब सारी चीज़ें हेड ले जाओ लेकिन आपने सुबह ही खिलाओ भिगोने की जरूरत आप सुबह चाय का मैंने डालो पूरे दिन मिक्स कर दो जानवर खाली से आराम से कोई दिक्कत नहीं समझ। अब मतलब आप एक बात बताओ कि जी आप पाटी मछली वगैरह पालन करो तो कितना टाइम तैयार कर लो आप 3 साल पाटी की बात करो आप 3 साल के अंदर डिलीवरी जाओ या 3 साल के अंदर थोड़ा हेट में आवे ज़्यादा मेहनत करने लगा के तो 3 साल की वजह से ब्याह ही आवे 36 महीने की वजह से ब्याह ही आए ठीक है सर ठीक है ज़्यादा अवेयर नहीं करी थी 5 साल में कौन भी आ तो बी का पीछे रीजन का ही है त्यौहार बताओ आपको सुनना मैं सब पप्पू जी राजू जी बहुत बढ़िया बात बताइए कि भाई अगर फार्मर तो बेकार करे
देखो तो 36 महीना या 30 महीना के अंदर भी पाड़ी नापकिन तैयार कर लेंगे, बाकी कई लोग हैं तो 5 साल भी लाग जाएंगे। तो आप मुझे बहुत बढ़िया बात बताया कि अंदर पानी आकर है एरो मैनेजमेंट का पार्ट भाई, आप अपने मान लो अपन पाड़ी वगैरह मछली वगैरह पर तैयार करना, अब क्यों आप टिवाना कंपनी के हिसाब से आपने बताना चाहूँ तो टिवाना कंपनी के अंदर कहेंगे मान लो मैं फार्मर ने गाइड कराया एजुकेट कराया कि भाई आप अगर आपकी बछड़ी एच एफ नस्ल की बछड़ी है तो फिर आप 9 या 10 महीने के अंदर फीट मारने के लिए तैयार कर सको, 19 या 20 महीना 21 महीने तक आप डिलीवरी भी की करवा सको, लेकिन बिक क्या करवा सको बिक बस सब मैनेजमेंट का पार्ट। आप पार्टी की बात करें तो पार्टी अपनी है ना कि लास्ट और लास्ट 30-32 महीने तक आपने डिलीवरी करवा सको पार्टी की आप बात करें ना, लेकिन बस क्या करवा सको वह मैनेजमेंट का पार्ट। अब मैनेजमेंट का पार्ट मतलब यहाँ देखिए मान लो आपने पार्टी या बचरी जो भी है आपने डिलीवरी होगी आएगी गैस की, तो आपने मेरे मान लो कि बढ़िया रसो जानवर आपने पालना है तो बिक लिए आप पाइप एक तो भी जो दूध है हमको दूध वो भी बात तो दूध पिलाओ एक बार जनरली आप देखा गवर्नमेंट चक्कर में लोग कहीं करेंगे जानवर दूध देखा बाद में छोड़ा जनरली आई ब्रिटिश आपने पहले आपको बंद पिलाओ वो एक थी मकाई है दो नुकसान है आपने लिए तो नुकसान है कि दूध है ना भी किसी की फैट है पर लास्ट का दूध में ज़्यादा दिया मान लो जैसे भैंस का मान लो 8 किलो दूध है 6 किलो दूध की फैट लग रही लास्ट का दूध ना पता चलो अलग ही तो आप कहीं वो फैट और दूध भी जानवर पिला सकते तो छोटा बच्चा का उसी भी कहता उसी का भी कोई ज़्यादा फैला उसमें डाइजेस्ट करने दस वगैरह भी हो जाए एक बार दस रुपये समझा नहीं जानवर नुकसान है गोटा दौड़ने वाले जानवर तो बात नुकसान आप लिए तो अगर आप दूध बेचो ना पूरा दूध की फेट करना तो नुकसान होगा पशु के लिए होगा कि वो ज़्यादा फैला दूध है वो भी आप पिला जाते हैं उस साइड बंद में बैठे तो अपन हमेशा कोशिश करें करो कभी दूध स्टार्टिंग और पिलाओ स्टार्टिंग दूध में कहेंगे फेट ना छोड़ो बाकी कंटेन करना है ज़्यादा फेट करना ऐसा ना बोला ना सोलिन नॉट फैट देखा फेट के अलावा कंटेंट प्रोटीन मिनरल्स जो भी दूध के अंदर होगा सारा भी दूध के अंदर तो वो कहिए स्टार्टिंग जल्दी ग्रोथ करती पशु की आपने भी दूसरा कहीं करो जी आप लोग बच्चों को बच्ची महीना भर को हो जाए जरा ना बारह की डिवर्मिंग करो कीड़ा मारवा की दवाई दो डॉक्टर ने सलाह दें और फिर कत्तों डोज देना चाहिए अपन वो भी डोज देव बाकी कीड़ा मारने के लिए अपन नियमित देनी चाहिए छः महीने तक छः महीना बाद के अंदर वो दो चेंज हो जाए ठीक है। दूसरी बात बी के अंदर जान देखो पशु आप आओ तैयार करो फिर 45 दिन तक सूखो चरण चलो सूखो चारों कहीं करेगा सूखो चारों का जो रूमन है ना वो आपको बड़बा का माने पशु को टाइम दो आप लोग कहेंगे पाँच चक्कर सात दिन बाद चारों के लगा लाने बाकी हाँ बाकी दिन चुगारों जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उसका पकावा को सिस्टम है ना वो 45 दिन बाद में डेवलप हुआ पशु को अगर पेट में सिस्टम में डेवलप नहीं हुई तो वो पका सी गया आप लोग पहले खिलावा लगा तो कहीं कर सके पेट में जमा बना वो पेट में लगेगा और पेट लड़ने में भी ग्रोथ होगी ठीक है। अब भी तो मैंने कहा कि मांगे टिवाना कंपनी है आ कंपनी कहीं कि पशु बचड़ा बचड़ी के लिए भी है ना मतलब फील्ड में तैयार करवा बी के लिए फील्ड में तैयार करवा पहले प्रोडक्ट का आप देख पा रहे हो चंडी को आप प्रोडक्ट जो जानवर आप लोग जो 6 महीने से कम उम्र को है भी ना पर खिलाया कराए 25 किलो वो भेज आओ और 100 ग्राम आप लोग चालू कर लो प्रोडक्ट को 100 ग्राम माता गुंडो खिला दो या पानी के अंदर वाटर दे दो सूखो डाल दो ठीक है क्योंकि उसकी वॉस्टेड है तो आप देवों में चालू कर सको कोई दिक्कत नहीं इसके साथ साथ में गाई उसकी तो बचड़ा बचड़ी की एक तो जुगाली जल्दी स्टार्ट कर सी यानी जो जुगाली करवा को सिस्टम है ना वो सिस्टम जल्दी स्टार्ट कर सी एक ये कहीं अगर आपने कोई बच्चा बच्चे दस्त वगैरह हुआ है सांस हुआ है बुखार वगैरह हुए वह सब सारी बीमारियों से दूर राख सी आपने पसंद ठीक है। साथ साथ में गाई करती क्या 6 महीने के अंदर अंदर खाती बचड़ी को बदन कर देती बहुत सुनकर देखो कहीं धीरे धीरे अपन डोज बढ़ा लगा 100 ग्राम स्टार्ट करो और लास्ट को डोज रहो एक डोज लाता है 50 दिन आपको जानवर जाओ ना क्योंकि दिन को 1 किलो खिला सकते 50 दिन को जितना आपको जानवर जाओ क्योंकि डोज के अनुसार आप जानवर में 6 महीने के अंदर अंदर 2 क्विंटल को कर सकते जी आप लोग बचपन बच्ची पार्टी पार्टी आपको 2 क्विंटल को हो तो कुछ कहीं हुए तो क्योंकि अपन अवस्था भी चेंज हो जाओ छोटा 6 महीना तक तो वो काफ रहे ठीक है और 6 महीने बाद के मैंने भी कि अवस्था चेंज हो गई बोला करें ऊपर अब अपन भी तैयार कर लूँगा कभी कि बिन जापन करवा के लिए बिन हीट मंगवा के लिए अपन तैयार कर लूँगा बी के लिए सेकंड प्रोडक्ट आया हमको कीपर टिवाना कीपर कीपर कहीं करें कीपर प्रोडक्ट है जो जानवर की तो वजन तो बड़ा सी बड़ा सी बाकी वजन के साथ साथ जो मैंने कहा जनानंद जब आपको विकास कर सी बच्चा करने में डेवलप करवा सी क्योंकि जिसका जानवर है ना आज जानवर की उम्र मायने पड़ रहा है आँख आगे बॉडी वेट मान लो आपकी बचड़ी है 2.5-3 क्विंटल वजन हो गए तो बीच मार्ग हीट मार आपकी सिमन लगा सकते एक ही छोड़ के सिर्फ हीट मार सिमन लगा सकते क्योंकि जानवर की जिसकी मेच्योरिटी है ना बस मेच्योरिटी लगता है 30 दिन तक आपने गाय या भैंस 3 बार कहेगी ना बता कि आप बड़ा कर सकता 30 दिन बाद आप बड़ा बोल कर सकता कोई गलती 30 दिन तक फिर आप खुराक बढ़िया दें फिर आप बढ़िया तैयार कर सकता वो ही पर कहीं करती है पर डे को एच एफ नसल को मेरे को छोड़ देना पर डे को 700-900 ग्राम वजन बढ़ा प्रति एक दिन 700-900 ग्राम दिन को बढ़ा ठीक है। आपकी पाड़ी है बढ़िया नसल की पाड़ी के बाद अभी बताया जाए आपने पाड़ो सीमन अच्छा लगेगा पाड़ो बैसकेट तो पाड़ी कम से कम लास्ट 18 महीना के अंदर अंदर बिकना है कंडीशन के लिए तैयार कर लीजिए ठीक है। और इसके अंदर कहीं हुआ है कि जानवर ने एनर्जी का जानवर में हो गई है जानवर ने नीड दिया प्रोटीन की तो इसके अंदर 28% प्रोटीन डाली दिया ज़्यादा तन खुराक भी दबा की जरूरत पड़ी दिन की 2 या 3 किलो को पलटे की डोज है लेकिन अब 2 प्रोडक्ट का हिसाब जो आपका जानवर ने बछड़ी को 9 या 10 महीना तैयार कर सको और पाड़ी ना आप 18 महीना तक 19 महीना तक आप तैयार कर सको अगर 18 महीने की पाड़ी आपको हिट माएगी 10 महीना गवा लेगा 28-29 महीने की आपकी पाड़ी भेज जाए अगर आप पाड़ी से आप मान लो कि 1-3 साल गवा एक जल्दी भेज जाए
तो भाई एक तो प्रोडक्शन जल्दी देसी भाई आप लोग सुपर ज़्यादा उतना बात करते हैं 3 साल तक आते ढाई सौ में गया सुपर ज़्यादा की बचत थी ठीक है। साथ साथ मैंने कहा है कि अगर आप अभी बेचा तो 2 रुपये जल्दी बढ़ी जैसी अगर घर दूध काम में जाओ तो दूध आपने जल्दी काम स्टार्ट देती तो यह सब सारा फ़ायदा है जिसका अब वो हमारा काम स्टार्ट और डीपर आओ आप ले सको ठीक है। अब इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है तो बताओ भाई आपको कोई सवाल है तो बताओ बस वो रिलेटेड आपने कुछ एक जनरली मैं आपने और बता सकता हूँ कि आप जो जानवर बात दे रहे हो फीड दे जाओ सुपर चारो दे जाओ तो वो आप कहीं प्रैक्टिस सकिए ना होते जानवर सुपर चारो लगता।